नमस्कार दोस्तों, लल पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मतुप प्रत्यय। मतुप प्रत्यय बहुत ही अच्छा प्रत्यय है दोस्तों, हम ध्यान से पढ़ेंगे तो आसानी से समझ लेंगे और कोई भी एग्जाम वाला आसानी से सोल्व कर सकते हैं। मतुप वतुप, ये मतुप प्रत्यय वतुप का बन जाता है, इसके विषय में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। मतुप प्रत्यय का मत शेष रहता है मत, और इधर वत शेष रहता है वत, और इसके रूप चलते हैं दोस्तों, इसके रूप चलते हैं भगवत, नदी और जगत की तरह इसके रूप चलते हैं। भगवत नदी जगत, पुल्लिंग में भगवत की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह इसके रूप चलते हैं, और नपुंसक लिंग में जगत शब्द की तरह इसके रूप चलते हैं। यदि शब्द के अंत में नॉट, ये याद रखना है, यदि शब्द के अंत में ए आ या मैं हो तो मतुप के स्थान पर वतुप हो जाता है, वतुप हो जाता है। यदि शब्द के अंत में ए आ या मैं हो तो मतुप प्रत्यय के स्थान पर मतुप वतुप प्रत्यय हो जाता है, वतुप प्रत्यय हो जाता है। यहां पर उ और पै का लोप हो जाता है और यहां पर भी उ और पै का लोप हो जाता है। दोस्तों एक वचन के इसके शेष लिख देता हूं, जैसे मान वान, और नेक्स्ट जैसे मती वती, मत वत, मत वत, ये एक वचन के रूप आपके सामने लिखे हैं। अब आपको देखना है कि ये वान कब हो जाता है, मान कब होता है, मती कब होता है, वती कब, मत कब, वत कब, ये आपको अभी बताने वाला हूं। दोस्तों देखिए, यदि शब्द के अंत में ए आ मैं हो तो मतुप के स्थान पर वतुप हो जाता है, ये आप समझ गए हैं। अब ये जो मैंने आपको रूल बताए हैं कि पुल्लिंग में भगवत के समान इसके रूप चलते हैं, स्त्रीलिंग में नदी की तरह चलते हैं, और नपुंसक लिंग में जगत की तरह चलते हैं, तो दोस्तों ये सबसे पहले अपन देखते हैं। जैसे पुल्लिंग में शब्द रूप चलते हैं भगवान, भगवंतौ, भगवंत है, ऐसे रूप चलते हैं पुल्लिंग, ठीक है। अब हमें प्रत्यय लिखना है, जैसे प्रत्यय लिख रहे हैं गुण धन मधु, तो लिखेंगे गुणवान, गुणवंतौ और गुणवंत, इस प्रकार से रूप चलेंगे। आपका प्रश्न है कि यहां पर वान क्यों कर दिया गया, देखिए पहले ये समझेंगे हम, गुण और धनम विद्या। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि इस शब्द के अंत में यदि ए हो तो इसे ने में ए मिला हुआ है ए, और इस धन में मैं है और विद्या में आ है, तो यहां पर मान नहीं करेंगे हम, क्या करेंगे वान, ये वत प्रत्यय जिसका शेष क्या होता है वान, पुल्लिंग में वान, स्त्रीलिंग में वती और नपुंसक लिंग में वत, और इधर पुल्लिंग में मान और स्त्रीलिंग में मती और नपुंसक लिंग में मत, ऐसे यदि वान होता है तो पुल्लिंग में वान, वती, वत, और पुल्लिंग में वान, स्त्रीलिंग में वती, नपुंसक लिंग में वत, यदि ए मैं और आ होता है, शब्द का अंतिम जो
अक्षर होता है ये होने पर यहां पर मान के स्थान पर क्या हो जाता है, वान हो जाता है, इसलिए यहां पर गुणे वान किया, गुणे वान। दोस्तों फिर द्विवचन में गुणवंत हो, बहुवचन में गुणवंत है, ये पुल्लिंग के रूप है, ठीक है। अब स्त्रीलिंग में, अब इसके रूप पहले देखिए, गुणवान लिख दिया आपके सामने, और गुणवान स्त्रीलिंग में क्या लिखेंगे, गुणवती, गुणवती नदी की तरह, और नपुंसकलिंग में गुणवत, इस प्रकार से इसके रूप हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए धनम, यहां पर मैं अंत में है तो भी मान होगा, तो क्या लिखेंगे पुल्लिंग में, धनवान, स्त्रीलिंग में धनवती, और नपुंसकलिंग में धनवत। विद्या आ है, पुल्लिंग में लिखेंगे विद्यावान, स्त्रीलिंग में विद्यावती, और नपुंसकलिंग में विद्यावत। अब दोस्तों मान लीजिए यहां पर शक्ति है, शक्ति तो देख लीजिए यहां पर क्या है, अंतिम ई है, तो क्या होगा इसका मतुप होगा मान, तो क्या लिखेंगे, शक्तिमान, शक्तिमान, शक्तिमती और शक्तिमत, इस प्रकार से रूप बढ़ जाएंगे। समझ गए होंगे आप, मान मतुप और वतुप कहां होता है, वतुप कहां होता है जिसका शेष क्या होता है, मतुप का क्या शेष रहता है, मान, पुल्लिंग मान, स्त्रीलिंग मति और नपुंसकलिंग मत, एक वचन, और वतुप का शेष क्या रहता है, पुल्लिंग में वान, स्त्रीलिंग में मति और नपुंसकलिंग में वत शेष रहता है। दोस्तों ये समझाई दिया गया मैंने दिया आपको कि जिस शब्द के अंत में ए मैं आ होता है वहां पर मान के स्थान पर मतुप के स्थान पर वतुप होता है, वतुप पर, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे पुल्लिंग में भगवत शब्द की तरह रूप चलते हैं, गुणवान गुणवंतो गुणवंत है, जैसे भगवान भगवंतो भगवंत है, इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में चलेंगे इसके रूप, नदी शब्द की तरह, जैसे नदी नद्यो नद्य, तो गुणवती गुणवत्यो गुणवते, तो स्त्रीलिंग में लिखेंगे गुणवती नदी, गुणवत्यो गुणवत्यो नद्यो और गुणवत्ते नद्य, इस प्रकार से स्त्रीलिंग रूप चलते। नपुंसकलिंग में जगत जगती जगंती, तो क्या लिखेंगे, गुणवत गुणवत गुणवती और गुणवंती, इस प्रकार से रूप चलते हैं, चलेंगे जगत की तरह, जगत जगती जगंती, नदी नद्यौ नद्य, इस प्रकार से रूप चलते हैं, ठीक है। दोस्तों अब आगे देखते हैं उदाहरण के माध्यम से, इनके जो भी उदाहरण है वो उदाहरण अभी आपके सामने लिखने वाला हूं। दोस्तों आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक अवश्य कीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आप उदाहरण, दोस्तों उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, तो ये इसका रूप है पुल्लिंग एकवचन, और ये स्त्रीलिंग एकवचन के रूप है, और नपुंसकलिंग एकवचन के रूप है। दोस्तों ये जो मतुप प्रत्यय है ये विशेषण होता है, ये विशेषण होता है, और इसका प्रयोग विशेष्य के अनुसार होता है, संज्ञा के अनुसार, सर्वनाम के अनुसार, और जो क्रिया जिस वचन में होती है उसी वचन में ये विशेषण होता है, विशेष्य होता है, सर्वनाम होता है, संज्ञा होती है, ये हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। अब देखिए ये कुछ उदाहरण है, देखिए वाक्यों के माध्यम से देखेंगे किसका किस के अनुसार वचन होता है और हम किस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं, ये वाक्य के आधार पर समझेंगे हम। और अब देखिए ये उदाहरण, शक्ति धर्मतुप, शक्तिमान, शक्तिमती, शक्तिमत, बुद्धि धर्मतुप, देखिए अंत में ई है तो मान होगा, बुद्धिमान बुद्धिमती बुद्धिमत, श्री ई तो श्रीमान श्रीमती श्रीमत, भानु मतु भानुमान भानुमती भानुमत, विद्या इसमें आ गया, यहां पर आ गया तो वान करेंगे मान की जगह, विद्यावान विद्यावती विद्यावत, और यहां पर ए है तो फलवान फलवती फलवत,
यहां पर श है दोस्तों, मैंने ये श और ते नहीं बताया था, जहां पर श और ते आ जाता है दोस्तों वहां पर भी मान के स्थान पर हम करेंगे वान। तो नभस्वान, नभस्वती, नभस्वत, अंशु, धनमतु, तो यहां पर वो है तो माई होगा, अंशुमान, अंशुमति, अंशुमन। गुण ए है तो क्या हो जाएगा, वान, गुणवान, गुणवति, गुणवत। विद्युत तो विद्युतवान, विद्युतवति, विद्युतवत। तो दोस्तों इस प्रकार से पुल्लिंग के एकवचन के रूप, स्त्रीलिंग के एकवचन के रूप और नपुंसक लिंग के एकवचन के रूप आपके सामने लिखते हैं। और पुल्लिंग में इसके रूप चलते हैं भगवत की तरह, भगवान, भगवंतो, भगवंत, भगवंतम, भगवंतो, भगवत, इस प्रकार से। और स्त्रीलिंग में नदी की तरह चलते हैं और नपुंसक लिंग में इसके रूप चलते हैं जगत शब्द की तरह चलते हैं, जगत जगती जगंती, जगत जगती जगंती। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं प्रयोग के माध्यम से इनका अभ्यास करेंगे, वाक्य प्रयोग के माध्यम से का अभ्यास करेंगे। अब कुछ वाक्य लिख रहा हूं दोस्तों, उनके माध्यम से, वाक्यों के माध्यम से मतु प्रत्यय अच्छी तरह से समझेंगे दोस्तों। दोस्तों सेंटेंस नंबर वन देखिए, रिक्तस्थान, नरे विचारशील भवति, मनुष्य विचारशील होता है। यहां पर एकवचन है, एकवचन और भवति एकवचन क्रिया, तो यहां पर बुद्धि और मतुप भी हम एकवचन लिखेंगे। देखिए एंड में क्या है, ई, तो मान होगा, तो क्या लिखेंगे, पुल्लिंग लिखेंगे इसका, हो बुद्धिमान लिखेंगे, बुद्धिमान, नर है विचारशील भवति, बुद्धिमान मनुष्य विचारशील होता है। इस प्रकार से मतु प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, मतु प्रत्यय विशेषण होता है दोस्तों। नेक्स्ट है इयम कन्या अस्ति, यहां पर इयम सर्वनाम है, कन्या सर्वनाम है, ये भी एक वचन है, ये भी एक वचन है, तो हम रूप धन मतु भी एक वचन लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे यहां पर, रूपवती, रूपवती लिखेंगे दोस्तों, रूपवती, नदी शब्द की तरह इसके रूप चलेंगे, रूपवती, और ये लिखा बुद्धिमान। ठीक है, नेक्स्ट है वयम मुख्य अतिथि नमाम है, मैंने बात की थी कि विशेष्य के अनुसार इसके रूप, तो मुख्य अतिथि यहां पर ये विशेष्य है, मुख्य अतिथि, तो इसके अनुसार हमें लिखना है श्रीधन मतुर, तो श्रीमती, जैसे नदी नत्यो नत्य है नदी, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन है मुख्य अतिथि, तो हम लिखेंगे श्रीमती, क्या लिखेंगे, मुख्य अतिथि, वयम मुख्य अतिथि नमाम है, तो अतिथि अतिथि अतिथे, अतिथि अतिथि आता है पुल्लिंग है, तो श्रीमती, तो क्या लिखेंगे यहां पर हम दोस्तों, श्री मती, श्रीमती, देखिए श्रीमती नहीं, यहां पर जो श्री है और मतुप प्रत्यय है, हमें पुल्लिंग की तरह लिखना है इसको, पुल्लिंग की तरह, भगवान, भगवंतो, भगवंत है, तो श्रीमान, श्रीमंतो, श्रीमंत है, तो यहां पर श्रीमंती नहीं, श्रीमंत लिखेंगे दोस्तों, श्रीमंत है, थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो दोस्तों यहां पर क्या मुख्य अतिथि नमाम है, हम श्रीमान मुख्य अतिथि को नमस्कार करते हैं, तो यहां पर लिखेंगे श्रीमंतम, श्रीमंत है, वयम श्रीमंत है, मुख्य अतिथि नमाम है, हम श्रीमान मुख्य अतिथि को नमस्कार करते हैं, तो यहां पर श्रीमंतम लिखेंगे, श्रीमंतम, श्रीमंतम, क्योंकि ये द्वितीय विभक्ति एकवचन है, तो द्वितीय विभक्ति एकवचन ही हम यहां पर लिखेंगे श्रीमंतम, वयम श्रीमंतम मुख्य अतिथि नमाम है, हम श्रीमान मुख्य अतिथि को नमस्कार करते हैं, जैसे अतिथि शब्द चलता हरि की तरह, हरि हरि हरिये हरिम, उसी प्रकार से अतिथि 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 अतिथि, उसी प्रकार से श्रीमान श्रीमंतो श्रीमंत और श्रीमंतम, द्वितीय विभक्ति एकवचन, भगवान भगवंतो भगवंत भगवंतम, तो श्रीमंतम, इस प्रकार से हम द्वितीय विभक्ति एकवचन लिखेंगे। नेक्स्ट है छात्र लब्धे ज्ञानम, या छात्र एक वचन है, तो हम श्रद्धा धन मतु भी एक वचन लिखेंगे, श्रद्धावान, श्रद्धावान, श्रद्धावान छात्र लब्धे ज्ञानम, श्रद्धावान छात्र ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब यहां पर देखिए मतक्षेप है, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति बहुवचन है, तो बलवत और मतुपी चतुर्थी
मत्स्येपि मे भयम् नास्ति, मुझे मत्स्यों से भय नहीं है। तो भय के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है, तो बलवत और मतुप प्रत्यय जोड़ करके हम इसके अनुसार लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? बलवद भी, बलवद भी, इस प्रकार से बलवद भी लिखेंगे दोस्तों, बलवद भी। ठीक है, जैसे इसमें जो विभक्ति और वचन होगा वही विभक्ति और वचन हम मतुप प्रत्यय के लिखेंगे। अब नेक्स्ट है वृक्षा आश्रम यच्छन्ति, वृक्षा यहाँ पर वचन कौन सा है? बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति है, तो छाया और मतुपि प्रथमा विभक्ति बहुवचन लिखेंगे। किसके अनुसार? इसके अनुसार, ये पुल्लिंग है तो ये भी पुल्लिंग में लिखेंगे। यहां पर देखिए आ है तो मतुप के स्थान पर क्या हो जाएगा? वतुप हो जाएगा दोस्तों। तो क्या लिखेंगे यहां पर? छाया बनते हैं, छाया बनते हैं, यह आंसर हो जाएगा। बालको अयम अस्ति, यहां पर बालको अयम एक वचन है, पुल्लिंग है, तो हम इसको भी एक वचन पुल्लिंग में लिखेंगे गुणवान, एक वचन पुल्लिंग में लिखेंगे गुणवान। ठीक है, नेक्स्ट है सा अचिंत्यन, उसने विचार किया, तो यहां सा स्त्रीलिंग है तो हम इसको भी स्त्रीलिंग में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? बुद्धिमती, बुद्धिमती। क्यों? क्योंकि सा एक वचन स्त्रीलिंग है तो हम ये भी स्त्रीलिंग में लिखेंगे। अन्य उपी लोके मुच्यते मैं तो भया, दूसरे भी संसार में बड़े भय से मुक्त हो जाता है, दूसरे भी मुक्त हो जाते हैं, बड़े भय से मुक्त हो जाते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे बुद्धि मंत है बहुवचन। यहां पर एक वचन भी लिख सकते हैं हम, दूसरे भी बुद्धिमान, दूसरे बुद्धिमान मनुष्य भी बड़े भय से मुक्त हो जाते हैं, बड़े भय से मुक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट पठने नरे, पढ़ने से मनुष्य गुण धन मतुप और भक्ति, यहां पर एक वचन है तो हम इसका भी एक वचन लिखेंगे गुणवान, गुणवान, ये ध्यान रखना। मानवा सदा वंदनीय बहुवचन है तो लिखेंगे ज्ञान धन मतुप, बहुवचन ज्ञान वंत है, ज्ञान वंत है। कैसे लिखेंगे? जैसे भगवान भगवंतो भगवंत है, उसी प्रकार से ज्ञानवान ज्ञानवंतो ज्ञानवंत है। अंत में ए है तो मतुप के स्थान पर वतुप हो जाएगा। विद्या अंत में आ है तो वान, मान के स्थान पर वान हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे? विद्यावंत है, विद्या विद्यावान सभी जगह विद्यावंत है, विद्यावंत है, जो विद्वान पुरुष होते हैं सभी जगह सम्मान प्राप्त करते हैं। अध्ययन मनुष्य भवति, अध्ययन से मनुष्य होता है, एक वचन है तो यहां पर भी हम एक वचन लिख देंगे गुणवान, गुणवान, यहां पर भी हम एक वचन लिख देंगे। तो दोस्तों दोबारा से देखिए ये उदाहरण, पहला उदाहरण है नर है, एक वचन है तो बुद्धि धन मतुप, एक वचन लिखा बुद्धिमान भगवत की तरह। नेक्स्ट है इयम कन्या, दोनों इयम सर्वनाम है और कन्या संज्ञा शब्द है, स्त्रीलिंग एक वचन है तो रूप धर्म तो भी स्त्रीलिंग एक वचन में लिखा जाएगा रूपवती, पहले ए मिला हुआ है इसलिए वह हो जाएगा, मैं नहीं होगा। नेक्स्ट है वयम मुख्य अतिथि नमामे, मुख्य अतिथि में द्वितीय विभक्ति एक वचन है तो श्री धर्म तो भी द्वितीय विभक्ति एक वचन में लिखा जाएगा, जैसे श्रीमान श्रीमंतो श्रीमंत है और श्रीमंतम, इस प्रकार से। नेक्स्ट है छात्र लब्धे ज्ञानम, छात्र ज्ञान प्राप्त करता है तो श्रद्धा धन मतु, छात्र के अनुसार लिखेंगे एक वचन में श्रद्धावान, श्रद्धावान छात्र लब्धे ज्ञानम। नेक्स्ट है मत्स्य भी, मत्स्य भी यहाँ पर पंचमी विभक्ति बहुवचन है तो हम इसको बल धन मतु भी पंचमी विभक्ति बहुवचन में लिखेंगे बलविद भी, बलवद भी, बलवद भी लिखेंगे पंचमी विभक्ति बहुवचन में, इसके अनुसार लिखेंगे बलवद भी, बलवत भे मत्स्य भे मे भयम नास्ति। नेक्स्ट छायावंत वृक्षा, वृक्षा के अनुसार छायावंत वृक्षा आश्रय यच्छन्ति, छाया से युक्त वृक्ष का आश्रय, छाया से युक्त वृक्ष आश्रय देते हैं। बालको अयम गुणवान अस्ति, तो बालक एक वचन है और पुल्लिंग है तो हम एक वचन पुल्लिंग लिखेंगे, सा स्त्रीलिंग है तो बुद्धिमती स्त्रीलिंग लिखेंगे। नेक्स्ट अन्योपि बुद्धिमंत है लोके मुच्यते मे तो भया, इस संसार में बड़े भय से दूसरे बुद्धिमान मनुष्य भी छूट जाते हैं। नेक्स्ट पठनेन नरे, नरे एक वचन है पुल्लिंग है तो गुणवान भी एक वचन पुल्लिंग में लिखेंगे।
मालवा बहुवचन है और पुल्लिंग है तो हम ज्ञान बनते हैं बहुवचन लिखेंगे पुल्लिंग में। नेक्स्ट विद्या धनवतु बहुवचन में लिखेंगे विद्या बनता है। अध्ययन मनुष्य, मनुष्य एक वचन है पुल्लिंग है तो एक वचन पुल्लिंग में लिखेंगे गुणवान। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।